जीसस हालेलुया। हम मसीह चरित्र के विषय में हम सीख रहे थे कि एक व्यक्ति के जीवन में मसीह चरित्र कैसा होना चाहिए। हमने पहली बात प्रभु यीशु मसीह में होकर देखा कि यीशु मसीह स्वयं माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दूसरी बात हमने देखा कि एक मसीह चरित्र का एक स्वभाव ये भी है कि वो वचन से परिपूर्ण होना चाहिए। तीसरी बात हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि यीशु दूसरों को क्षमा करने वाला व्यक्ति था। तो वचन में आप और परमेश्वर के वचन से यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लूका उसका 23वां अध्याय उसके 34वें वचन में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये वो परमेश्वर का वचन है जहां पर यीशु प्रभु ने पहली वाणी के रूप में कलवरी क्रूस के ऊपर ये बात को कहा। ये क्या कहता है कि यीशु कहता, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तब यीशु मसीह के विषय में यह बहुत ही स्पष्ट कहा गया, यीशु मसीह दूसरों को क्षमा करने वाला एक व्यक्ति था। यीशु मसीह के हृदय के अंदर लोगों के लिए प्रेम था। यीशु मसीह ने लोगों के लिए भलाई की है। लोगों ने यीशु के साथ कोई अच्छाई नहीं किया। यीशु प्रभु ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, अद्भुत काम किए, आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। यीशु ने शांति की बात किया, यीशु ने जीवन की बात किया, यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म की बात किया और अद्भुत कार्यों को लोगों के जीवन में दिखाया, कानों से सुनाया। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने बुरा भला कहा, यीशु मसीह के ऊपर आलोचना की, यीशु मसीह के ऊपर कई प्रकार के तंज कसे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह अगर उन लोगों को श्राप दिया होता तो सोच कर देखो वो उनकी क्या हालत होती। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह माफ करा और माफ करके ये बात को सिखाया कि आप और मैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें भी क्षमा करना है। आप और हमें भी संसार में आज इसी प्रकार का क्लेश है। जैसे यीशु मसीह ने भलाई करता चला गया, उसको भी वहां पर बुराई मिलती चली गई, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला क्योंकि वह अपने परमेश्वर को जानता था, अपने परमेश्वर को पहचानता था। अपने परमेश्वर को जानने और पहचानने के कारण उसने कभी अपने स्वभाव में चेंजेस नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है अपने विरोधियों को माफ करना है, उनके अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है। आपको और मुझको प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने की जिम्मेदारी दिया है। आपको और मुझको जो काम करना है वो ये काम करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। लेकिन आपको और मुझको कभी भी अपने मुंह से श्राप देने के विषय में नहीं कहा। इसलिए यीशु से आपको और मुझको सीखने को मिलता। ये तीसरा यीशु मसीह का चरित्र था। आप खुद सोच कर देखो, वहां यीशु मसीह के साथ अच्छा नहीं हो रहा था। वहां यीशु मसीह के लिए लोग बुरा कर रहे थे, यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, थूक रहे थे, गलत काम कर रहे थे। ऐसे समय में यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को क्षमा किया और क्षमा करके बोला, ये नहीं जानते, हे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर। ये क्षमा की बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया। तो आज आप और मैं मसीह होने के नाते आपका मेरा जिम्मेदारी है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने सताने वालों के लिए हम उनको क्षमा करें और अपने जीवन में आगे बढ़े क्योंकि मसीह यीशु ने आपको और मुझको ये बात को सिखाया है। इसलिए किसी भी रीति से आप और मैं अपने जीवन में कोई भी अनुचित बातें, कोई भी ऐसी शब्द को लोगों के लिए निकाल कर उनको श्राप ना दे क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, मैंने तुम्हें श्राप के लिए नहीं वरन शीश के लिए बुलाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अगर मसीह जीवन में है तो आपका मसीह जीवन है, तो विश्वास का जीवन है, तो आपका जीवन में आप यीशु को आदर्श मानता है तो अपने जीवन में वही करें जो यीशु मसीह ने आपको करने के लिए दिखाया, आपको दिखाया भी है, सुनाया भी है, कार्य करके भी बताया है। वो स्वयं परमेश्वर है। पत्रस के समय में लिखा, गेसमनी बाग में था, लोग पकड़कर आए थे,
और पकड़ने के लिए आए थे। ऐसे समय में पतरस ने अपनी काठी में से तलवार को निकाला और उसने उस व्यक्ति का जो है कान को काट दिया। प्रभु यीशु ने कहा, ये तू काठी को तलवार को अपनी काठी में रख ले, तू किसी रीति से नहीं चलाना। क्या पतरस तुझे मालूम नहीं कि अगर मैं चाहूं तो अभी की अभी 3/3 स्वर्ग दूतों को यहां पर बुला सकता हूं। ये बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो यीशु के पास अथॉरिटी थी कि वो स्वर्ग से स्वर्गदूतों को बुला सकता था। और एक स्वर्गदूत यदि ऐसे हाथ घुमाकर मारता होता तो लाखों लोगों को एक बार में मार सकता था। कितने उदाहरण बाइबल के अंदर देखते हैं, सोदम अमोरा नगर को स्वर्गदूत ने मारा है। आप सोचकर देखो, मिस्र के अंदर स्वर्गदूत ने घात किया है। कितने ही जगहों पर हम स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं कि कई जगहों पर उन्होंने हमारी को लेकर आया। परमेश्वर की बात मानकर तो सोचकर देखो, यीशु स्वयं कहता है, क्या तू इस बात को नहीं जानता कि मैं 3/3 स्वर्गदूतों को अभी की अभी अगर मैं आदेश दूं तो यहां पर आ सकता है। लेकिन यीशु कहता है, मेरा काम यह नहीं, मुझे पिता ने यह आज्ञा नहीं दिया वरन मुझे आशीष की ओर करने के लिए बुलाया। इसलिए उसने मलकुस का कान उठाया, वापस चिपका दिया, वापस से लगा दिया। मेरे प्रिय, ये बात को यीशु ने सिखाया कि कोई भी युद्ध जो है वो तलवार से नहीं जीता जाता, भाले से नहीं जीता जाता, कोई भी गलत कार्य से नहीं जीता जाता, धोखे से नहीं जीता जाता। लेकिन आपकर मेरे जीवन में आपकर मेरा बढ़ने का राज यही है, उन्नति का राज यही है, मसीह जीवन का राज यही है। दूसरा क्या बोलते हैं, क्या आपको दंत कसते हैं, उनकी बातें सुनने के बजाय अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करें। यीशु मसीह ने जो सिखाया उसको समझने का प्रयास करें। यीशु ने कहा, लोगों को क्षमा करो क्योंकि वे लोग, ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के लिए बुरा कर रहे थे। यीशु ने आंखों से देखा, यीशु ने कानों से सुना, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या हरकत कर रहा है, वे सब कुछ देखने के बाद भी यीशु प्रभु उनके लिए दुआ मांगते हैं और कहते हैं, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर दे। तो सोचो, क्षमा करने की बात आपका मेरा यीशु मसीह आपको और मुझको सिखाता है, ये आपको और मुझको स्वभाव देता है। तो आपका मेरा जिम्मेदारी है कि आप और मैं भी यीशु मसीह के अनुयायी होने के कारण, उसके पीछे चलने के कारण आपके मेरे भीतर भी यही स्वभाव होना है। हम किसी को भी श्राप नहीं दे सकते, किसी को जैसा बोला वैसा नहीं कर सकते। आपका मेरा जिम्मेदारी है यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, ये करने का जिम्मेदारी है। ठीक है, अब चौथी बात हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तब यीशु के विषय में लिखा है, यीशु आज्ञाकारी था और मरने तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। ये यीशु प्रभु एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, लेकिन यह परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह अपने जीवन में मरने तक आज्ञाकारी था। इसमें लिखा फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 7 वचन से यदि आप और मैं पढ़े तो वह परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्टता से हमको यह सिखाता है, हम उसको पढ़ेंगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, यीशु मसीह जो दुनिया का राजा था, जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर था, परमेश्वर का पुत्र था, वो आदि से था, वो अंत था, वो अल्फा था, वो ओमेगा था, वो सब कुछ था, वो सब कुछ होते हुए बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वो पूरी दुनिया का राजा है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, वो पूरी दुनिया का ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। सृष्टि के ऊपर उसने अपने अधिकार को दिखाया, तूफानों को डांटकर उसने पानी को थमाकर पानी के ऊपर छलके और तूफानों को डांटकर उसने प्रमाणित कर दिया कि आंधी उसके वश में है, पानी उसके वश में है, दुष्टात्मा उसके वश में है, बीमारी उसके वश में है। ये सब कुछ करके उसने दिखा दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं।
नहीं। ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता, वो महान परमेश्वर ने कहा, वरन अपने आप को उसने ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया। दास जो होता है, दास के ऊपर मालिक का अधिकार होता है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है उसके ऐसे अधीन हो गया और अपने आप को मानो दास बना दिया। पिता तू जो कहेगा मैं वही मानूंगा, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, तू जो चाहेगा मैं वैसा ही जीऊंगा, वैसा ही रहूंगा। इतना सुनने अपने आप को कर दिया। तो आपका मेरा भी जिम्मेदारी है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसे आज्ञाकारी हो जाए कि मरते दम तक, मरने से पहले तक अपने जीवन में ऐसे आज्ञाकारी होकर रहे। ये एक दिन की बात नहीं, दो दिन की बात नहीं, तीन दिन की बात नहीं, एक साल दो साल आज्ञाकारी होकर चलने की बात नहीं, लेकिन यीशु के विषय में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने आप को शून्य करके, उसने दास का स्वरूप धारण करके अपने आप को उसने दे दिया। उसके बाद लिखा है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि हां क्रूस की मृत्यु तक वो सह लिया। मतलब कि जीवन में ऐसा आज्ञाकारी हो गया, आज्ञा मानने के कारण उसके ऊपर सताव आया, आज्ञा मानने के कारण उसके जीवन में कई प्रकार का दुख आया, कई प्रकार का तकलीफ आया और वो ये जानता था कि मैं इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा मानकर इसमें चलूंगा तो मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मुझे बताड़ना होगी, मुझे घोड़े मारेंगे, मेरे ऊपर सताव होगा, मेरे जीवन में सारी घटनाएं घटित होगी। ये सब कुछ आपके और मेरे परमेश्वर को पता था, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसने दे दिया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली, क्रूस की मृत्यु तक चला गया पर इनकार नहीं किया। आज अपने जीवन में सोचो, आज आप और मैं भी प्रभु के आज्ञाकारी बच्चे बनना चाहते हैं, हम भी आशीष के हकदार होना चाहते हैं, हम भी जीवन के हकदार होना चाहते हैं, हम भी शांति की बात में बने रहना चाहते हैं, हम भी आनंद की बात में रहना चाहते हैं। तो प्रियो सोचकर देखो यीशु मसीह का जीवन में कितने आज्ञाकारीता अपने पिता के प्रति है। आज आप और मैं कहां है, आज आप और हम क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए आज्ञाकारी हैं? जैसा यीशु अपने पिता के लिए आज्ञाकारी बनकर आज वो मुर्दों में से जी उठकर वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, आज आपका और मेरा समय है। आज उसने आपको मुझको इस संसार में रखा है, यदि इस संसार पर जय पाना है, इस संसार की परिस्थितियों पर जय पाना है तो यीशु मसीह को फॉलो करो, यीशु मसीह के अनुयायी हो जाओ। यीशु ने जो सिखाया उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करो, संसार के ऊपर अपने जीवन में आशीष को पाएगा। क्योंकि यहां आगे लिखा है इस कारण, तब लिखा जब उसने यहां तक अपने आप को जब उसने दिया तो लिखा आगे इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। हालेलुया, ये साधारण बात नहीं। यीशु मसीह ने अपने स्वार्थ के लिए यीशु का आज्ञा नहीं माना। आज कितने ही लोग अपने स्वार्थ में यीशु के पास आता, स्वार्थ के लिए आज्ञा मानता, स्वार्थ के लिए यीशु के साथ चलने का प्रयास करता, इसलिए वो कई बार जीवन में धक्के खाता, कई बार जीवन में गिरते उठते पड़ते रहता है। लेकिन यीशु मसीह आज्ञा इसलिए मानता था क्योंकि वो जानता था, अपने पिता को जानता है, अपने परमेश्वर को जानता है, उसके साथ रहने में क्या भलाई है, उसके साथ रहने में कैसा जीवन है, उसके साथ रहने में कितना अद्भुत आनंद है, इस बात को जानता था और अंत तक बने रहने की आशीष को जानता था। इसलिए बाइबल कहती है जब वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा तो आगे लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ था। अति महान किया इस कारण, ध्यान रखो इस कारण, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा,
अपने जीवन में तूफानों से पीछे नहीं मुड़ा, टकराया, आगे बढ़ा। बाइबल कहती इस कारण उसको अति महान किया, इस कारण उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आपके नाम को प्रभु बढ़ाना चाहता है, आपके जीवन में आपको महान करना चाहता है, आपके जीवन में प्रभु आपको श्रेष्ठ जगह पर ले जाना चाहता है। लेकिन आज हम कई बार अनज्ञाकारिता में आता है, कई बार हम परमेश्वर में जब करने का अवसर आता है उसमें फेल हो जाता है, उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसमें हम जीवन के साथ आगे नहीं चल पाते। इसी के कारण मेरे प्रिय, मेरे भाई और मेरी बहन, हम असफलता की ओर हैं। यीशु के विषय में सोचिए, तब आगे लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वो परमेश्वर है जिसने अपने जीवन में सारी आज्ञाओं को मानकर अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है। आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला व्यक्ति ही और यीशु मसीह के साथ रहने के कारण ही वो अपने जीवन में अंत के समय में परमेश्वर पिता यीशु के दाहिनी ओर बैठ में यीशु के बात को नहीं मानता है। वो आज अपने जीवन में कितने ही जीवन को ऐसा धार्मिकता दिखाने के लिए प्रयास करे, इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। हम मसीह चरित्र के विषय में हम सोच जी, पहली बात था यीशु अपने माता पिता को आदर करता था, दूसरी बात था यीशु मसीह वचन से परिपूर्ण था, तीसरी बात था यीशु मसीह दूसरों को क्षमा करने वाला था, चौथी बात था यीशु यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मरने तक, और हां मृत्यु भी उसने सह लिया। पांचवी और अंतिम बात जो हम देखने जा रहे, मसीह जीवन लोभ रहित होना चाहिए। आपके और मेरे जीवन में यीशु ने सिखाया मसीह जीवन आपके और मेरे जीवन में लोभ रहित होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन में लालच का कोई काम नहीं, लेकिन आज कितने ही लोगों ने अपने मसीह जीवन के अंदर लालच में आकर मसीह जीवन को शुरू किया है। आज कितने ही लोग अपने जीवन में पेट के लिए प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा लालच से नहीं, पेट के लिए नहीं, वरन यीशु मसीह के हृदय के अंदर आत्माओं को बचाने की चाहत थी। यीशु मसीह के चेलों के अंदर आत्माओं को बचाने की चाहत थी। वे अपने बुलाहट को जानते थे, वे अपने बुलाए जाने को समझते थे, इसीलिए वे अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर पाए। आज आप अब्राहम की बात करो, नूह की बात करो, मूसा की बात करो, यहोशू की बात करो, परमेश्वर के 12 चेले बुलाए हुए की बात करो, यीशु मसीह के चेलों की बात करके यीशु की स्वयं की बात करो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपनी बुलाहट से भटक गया। किसी के लिए भी नहीं लिखा कि वो पैसे के लालच में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन यीशु प्रभु ने सारे लोगों ने उस यीशु प्रभु के हृदय को समझा, उसके दर्शन को समझा, उसकी बातों को समझा, जिसके चलते वे अपने जीवन में गरीब में, दुख में, सुख में, जीवन की हर परिस्थिति में उन्होंने अपने जीवन में यीशु के लिए खड़े हो गए। कई लोगों ने यहां तक कि अपने मौत को भी चुनौती देते हुए यीशु के लिए जीना प्रारंभ किया। बाइबल का परमेश्वर कहता है पौलुस के जीवन के लिए कि जब उसको बुलाहट मिली, दर्शन मिला, उसने लालच में प्रभु का सेवा नहीं किया। लिखा है वो कई बार भूखा रहा, कई उसको भोजन नहीं मिला, नाव टूटी, उपवास किया, दुख उठाया, ताड़ना सही, घोड़े खाए, कई बार सताओं में रहा, लेकिन कभी अपने जीवन में कभी लालच नहीं किया। कई कलीसियाओं ने उसके हाथ में थक दिया कि दूसरी कलीसियाओं के लिए मदद करे, लेकिन वो ऐसा कहता है इन हाथों ने, इन
इन हाथों ने कमाया और इन्हीं हाथों के द्वारा मैंने अपनी और अपने साथियों की मदद की है। लेकिन कोई व्यक्ति के ऊपर, किसी कलीसिया के ऊपर मैंने भार नहीं डाला, किसी के लिए मैं बोझ नहीं बना, परंतु मैं लोगों के लिए उल्टा शीश का कारण बना। ऐसी बात को पौलुस बोलता है, आज के सेवक, आज के लोग, आज के विश्वासी लाभ के लिए काम कर रहा है, लाभ के लिए प्रभु का सेवा है। इसलिए जो यीशु मसीह के समय में सेवा थी, चेलों के समय में सेवा थी, आज वो सेवा नहीं है। आज सेवकाई में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, आज सेवकाई के अंदर वो सारी बातें नहीं है। क्यों? थोड़ा सोच कर देखो, अपने जीवन में थोड़ा टटोल कर देखो, बाइबल इतिहास को उठाकर देखो, आज परमेश्वर की सेवा कहां है। क्योंकि वचन कहता है, पहला तीमुथियुस उसका छठवां अध्याय उसके छठवें वचन में, यहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए और न कुछ ले जा सकते हैं। यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को समझाता है, मेरे भाई, मेरे चेले, इस बात को समझाता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई का द्वार बन गया है। भक्ति आज लोग भक्ति इसलिए कर रहा है कि उनके लिए कमाई का द्वार है, प्रचार लोग इसलिए कर रहा है कि उनको कमाई का द्वार है, उनके जीवन में फेमस होना है, बुलाया जाना है, तो उनको जो है जीवन में ये सारी बातों को लोग कमाई का द्वार बना लिया है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, तीमुथियुस भी जवान था, वो भी एक सेवक था, वो भी बुलाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर का चुना हुआ था। इसलिए पौलुस के हृदय में जो परमेश्वर का दर्शन था, लोगों के लिए तड़प थी, लोगों को बचाने की प्यास थी, नई नई जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाना, कलीसिया निर्माण करना, लोगों को छुड़ाना, अद्भुत कार्य करना, ये पौलुस के जीवन में था। पौलुस तीमुथियुस के हृदय में ये बात को डालना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, यदि हम सेवकाई में हैं, यदि हम विश्वास में हैं, यदि हम अपने जीवन में हैं, तो मसीह जीवन में लालच अच्छी बात नहीं। 10 आज्ञा में ये भी एक आज्ञा है, यीशु ने कहा तुम लालच ना करना, ना तो किसी के गधे की, ना तो किसी के बैल की, ना तो किसी दूसरे की स्त्री की, ना तो किसी के खेत की, किसी की तुम लालच ना करना। ये बात को प्रभु यीशु ने कहा। आज कितने ही लोग, विश्वासी लोग, सेवक लोग अपने जीवन में लालच में पड़कर अपने अभिषेक को खो दिया, वरदान को खो दिया, जीवन को खो दिया। आज वे लालच के चलते वे शैतान के गुलामी में आ गए। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पौलुस ने सिखाया तीमुथियुस को, यदि तुम्हारे पास खाने को हो और पहनने को हो तो इसी में तुम संतुष्ट करना। जीवन में और क्या चाहिए? अगर आपके पास 3 टाइम खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए बराबर पर्याप्त कपड़ा है, आपको रहने के लिए सुंदर घर है, तो इससे ज्यादा आपके जीवन में और क्या लालच कर शैतान को मौका देना है? इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती इसी में संतोष करना। लेकिन आज ये संतोष नहीं है, आज ये शांति नहीं है। आज अगर हमारी जिंदगी में है तो और लालच करके हम दूसरे, लालच जो है बुरी बला है, लालच पूरी बला है। लालच करने के कारण आज मनुष्य मनुष्य को धोखा दे रहा है, लालच करने के कारण आज दूसरों की स्त्रियों को अपनी स्त्री बना रहा है, दूसरे की बीवी को अपनी बीवी बना रहा है, दूसरे के खेत को अपना खेत बना रहा है। लालच करने के कारण वे पाप में गिरते चला जा रहा है, लालच करने के कारण गलत कामों में अपने आप को देते चला जा रहा है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप मसीह में हैं,
यदि आप सेवा में हैं, यदि आप वर्शिप लीडर हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति है, तो आखिरी बात मेरे ध्यान से सुनिए, मसीह चरित्र में लोभ रहित जीवन होना है, क्योंकि मसीह जीवन लालच का जीवन नहीं है। और यीशु ने आपको और मुझको लालच करने के लिए नहीं बुलाया, वरन मसीह यीशु आपके जीवन की शांति है। आपके पास जो कुछ भी है वही प्रभु के पास लेकर आए, उसी में प्रभु आपको शांति देगा, उसी में प्रभु आपको बढ़ाएगा, उसी में प्रभु आपके जीवन की उन्नति को लेकर आएगा। आगे लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। मेरे प्रियो, जो लोग लालच करके अपने जीवन में व्यर्थ हानिकारक बातों की लालसा करते रहते हैं, वो मनुष्य के जीवन को बाइबल के तीन बिगाड़ देता है। आपको लालच करेंगे तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा बोलकर लालच करेंगे तो आपकी बुद्धि को बिगाड़ेगा, क्योंकि आपकी क्षमता वो नहीं है, आपके पास वो बुद्धि नहीं है, आपके पास वो क्षमता जब नहीं है उसके बाद आप ऐसा करेंगे तो शत्रु शैतानिक दिमाग आपके अंदर आएगा और वो दिमाग के चलते आप बुरे काम करेंगे। अगर पैसा नहीं है तो शैतान बोलेगा ATM तोड़ो, चोरी करो, गलत काम करो, धोखा दे दो, लूटपाट करो, चोरी कर लो और किसी को हत्या करके पैसा कमा लो। ऐसी कई बुरे विचार लोगों के जीवन में आता है जिससे उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है लालच के कारण। इसलिए आगे लिखा है, और वो समुद्र में विनाश का समुद्र में डुबो देती है, मतलब नाश नाश होना आपको। तब आगे लिखा, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। रुपयों का लोभ तो सब प्रकार की बुराई का जड़ है। पैसे में बुराई नहीं है, बुराई पैसे में नहीं आती, इंसान के अंदर आती है। इंसान के जीवन में बुराई है, ये विचार इंसान के अंदर है, ये पैसे के अंदर नहीं। पैसा 100 का नोट है तो वैसे ही है, 500 का नोट है तो वो वैसे ही है, जो दिखता वही है, लेकिन उस पैसे के लिए लालच किसके अंदर आया? मनुष्य के अंदर। ये पैसा को चोरी करने का मन किसके अंदर आया? लोगों के अंदर। ये पैसे को गलत तरीके से कमाने का मन किसके अंदर आया? लोगों के अंदर। इसलिए रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों को छलनी बना लिया। कितने ही लोग अपने जीवन के अंदर सात प्रकार की रुपयों के लालच करके अपने जीवन के अंदर विश्वास से भटक कर अपने जीवन को छलनी बना लिया, मतलब अपने विश्वासी जीवन से वो भटक गए, अपने विश्वासी जीवन से भटक कर उन्होंने अपनी जिंदगी में नाश हो गए। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आपको और मेरे जीवन में लाभ रहित मसीह जीवन होना, आपको और मुझको प्रवेश मसीह ने लाभ रहित जिंदगी के लिए बुलाया है। इसलिए अपने जीवन को प्रवेश मसीह के हाथ में दे, लालच नहीं करना। यीशु मसीह ने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया। यीशु मसीह कहता है, बहुत सारे लोगों का घर होता है लेकिन मन परमेश्वर के पुत्र को तो सर भरने की भी जगह नहीं थी, ऐसा बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रमाणित किया। और परमेश्वर का दास अब्राहम कहता है, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसके पास भी छत बनाने के लिए कोई जगह नहीं था, लेकिन वो केवल स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखता था और उसी के ऊपर नजरें गड़ाया हुआ था, उसी के मार्गदर्शन पर चलता था और अंत तक वैसे ही चलता चला गया। उसने अपने जीवन की सफलता, क्योंकि उसको मालूम था मैं यहां के नहीं लेकिन वहां, यहां मैं तंबू में रहता हूं लेकिन वहां पर मैं छत वाले घर में निवास करूंगा, वहां पर मैं परमेश्वर के बनाए हुए घर में निवास करूंगा। तो आप और मेरी जिंदगी की आशा क्या है मसीह जीवन में? आज आपकी आशा क्या है मसीह जीवन में? आपके जीवन का चाल आज कैसा होना है? चरित्र कैसा होना चाहिए? ये आपने 5 बातों को आज बाइबल से हमने सीखा है। इसलिए अपने जीवन को संभालिए, लोभ रहित जीवन को बनाइए। ये लोभ रहित जीवन आपको पवित्रता में खड़ा करेगा और आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा करके आपको बाद में दाहिनी ओर बिठाएगा।
यही पांच बातें आपकी जिंदगी के लिए आनंद, उन्नति और आशीष और यीशु मसीह के दहने और बैठने में मदद करेगा। यीशु मसीह जब तक इस संसार में था उसके जीवन में ये बातें थी, जिसके कारण यीशु मसीह पिता के दहने और बैठ गया। आज आपका मेरा समय, आज आप और मैं भी यदि यीशु मसीह के हाथ में अपना जीवन को दे दें, प्रभु हमें आशीषित करेगा और हमारे जीवन पर अनुग्रह करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को प्रभु आशीष दे, महिमा प्रभु।